नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में। लोकपाल पे आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, करंट रिलेटेड काफ़ी हॉट टॉपिक, मेंस स्पेशल। यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भमतो एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का पीडीएफ ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, मार्च 2019 में यानी कि इसी महीना में भारत को देश का पहला लोकपाल मिल गया है, और जो दशकों से एक लंबा इंतजार का दौर था वो फाइनल रूप से यहाँ पे खत्म हो गया है और विधिवत तरीका से लोकपाल समिति का गठन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिरकार यह लोकपाल क्या है और इस लोकपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विकास क्रम क्या रहा है। यहाँ पे यह भी जानेंगे कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों का तरीका क्या होता है, साथ ही अंत में यह भी देखेंगे कि इसके अधिकार क्षेत्र का दायरा क्या होएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे लोकपाल मुद्दा पे, जानेंगे पूरा का पूरा होल एंड सोल विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, तो लोकपाल समिति का जो गठन किया गया है उसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों की नियुक्ति किया गया है। याद रखने वाला बात है, इसको आप नोट करके याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष जी को देश का पहला लोकपाल बनाया गया है, और जो 8 अन्य सदस्य हैं उनमें से 4 न्यायिक क्षेत्र से और 4 जो हैं वो प्रशासनिक क्षेत्र के जो जानकार व्यक्ति हैं उसको यहाँ पे सदस्य के रूप में चुना गया है। जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी को यहाँ पे एज ए न्यायिक क्षेत्र से जानकार व्यक्ति के रूप में चुना गया है, जबकि गैर न्यायिक क्षेत्र के रूप में अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम जी को एज ए मेंबर यहां पे चुना गया है लोकपाल समिति के अंदर। देखिए ये जो लोकपाल का गठन किया गया है, इसको गठन करने के लिए 5 सदस्य जो कि प्रधानमंत्री के अंदर 5 सदस्य समिति बनाया गया था, वो समिति इनको चुना है, इन सभी सदस्य और अध्यक्ष को। तो इनमें जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लीड किए हैं इस कमेटी का, और वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर जो कि अभी सुमित्रा महाजन दी, वो थी इस कमेटी में। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अभी रंजन गोगोई जी हैं, वो भी थे। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो यहाँ पे एबसेंट थे, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया था लेकिन वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए। इसके अलावा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट वो भी थे, और वो थे यहाँ पे मुकुल रोहतगी, वही मुकुल रोहतगी जो कि 14वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि पिछला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि अभी भारत का एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो इस प्रकार से ये जो 5 सदस्यीय कमेटी था वो फाइनली रूप से 8 सदस्यीय लोकपाल का गठन किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस पीसी घोष, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ के अगर मैं बात करूं कि आखिरकार यह लोकपाल क्या है, तो देखिए लोकपाल स्कैंडिनेवियन कंट्री का इंडियन वर्जन है लोकपाल, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, तो 1908 ईस्वी में स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑम्बुड्समैन आम नागरिकों की तकलीफों को दूर करने के लिए विश्व का सबसे प्राचीनतम एक संस्थान बनाया था, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थान बनाया था, जिसको इंडिया में लोकपाल या लोकायुक्त कहा गया, ठीक। तो ये जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री, उसका जो कह सकते हैं इंडियन वर्जन क्या है, तो लोकपाल है। अगर मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करूं यहाँ पे, तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 से 1970 तक था, और उसके सिफारिश के आधार पर ही नागरिकों की समस्या को समाधान करने हेतु 2 विशेष प्राधिकारी यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इनके जो कार्य थे वो कुछ इस प्रकार दिया गया था उस समय,
कि वे स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उसकी जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। इसके अलावा इसकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगा। इसके अलावा उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। साथ ही साथ वे अपने विभाग का अनुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामला को देखेंगे। इसके अलावा उसकी कार्यवाही में न्यायिक दखल अंदाजी नहीं होगी। इसके अलावा अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें पूर्ण शक्तियां निहित होगी। साथ ही उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ पे उसके कार्य में शामिल किया गया था। तो भारत सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 से 1970 ईस्वी में बना था, उसकी सिफारिशों को स्वीकार करता है और कई मर्तबे इसके संबंध में विधेयक लाने का आधिकारिक रूप से प्रयास भी किया जाता है, लेकिन वो 8 मर्तबा जो है वो फेल हो जाता है। सबसे पहले 1968 ईस्वी में लाया गया था विधेयक, उसके अलावा 1971 ईस्वी में, फिर जुलाई 1977 में, फिर अगस्त 1985 में, फिर 1989 ईस्वी में, फिर 1986 में, फिर 1998 में और फिर 2001 में बार बार इसको विधेयक को लाया गया, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर के अन्ना हजारे जी का दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ता है, जो कि अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये अन्ना हजारे जी के आंदोलनों का प्रभाव यह होता है कि लोकपाल एक्ट 2013 जो है सरकार द्वारा लाया जाता है। तो इस लोकपाल एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन था उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला और मेजर जो यहां पे बात कही गई वो यह कि द एक्ट अलाउज सेटिंग अप ऑफ एंटी करप्शन एम्बुड्समैन कॉल्ड लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। यानी कि लोकपाल को केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त को राज्य स्तर पर गठन करने का बात कहा गया। इसके अलावा इसके कंपोजिशन में कहा गया कि द लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड ए मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, यानी कि एक चेयरपर्सन होंगे और 8 इसके सदस्य होंगे मैक्सिमम। इसके अलावा यहाँ पे यह कहा गया कि द लोकपाल विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द पीएम। ये बहुत बड़ी बात थी अपने उस समय की। कहा गया था कि सभी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी स्तर के कर्मचारी हैं, उसको यहाँ तक कि उसके अंदर प्रधानमंत्री को भी शामिल करने का बात किया गया और उसको फाइनली शामिल कर भी लिया गया है। बट द आर्म फोर्सेज डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल, और जबकि आर्म फोर्सेज को यहाँ पे लोकपाल के एम्बिट से बाहर रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पे यह भी कहा गया था कि द एक्ट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय करप्ट मींस इवन व्हाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। ये कहा गया था कि करप्ट तरीका से, भ्रष्ट तरीका से अगर कोई संपत्ति को ग्रहण करता है तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, अगर वह उसका केस पेंडिंग भी है तब पर भी। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बात था स्वस्थ भारत समाज का निर्माण होने के क्रम में। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि द स्टेट्स विल हैव टू इंस्टीट्यूट लोकायुक्त विद इन 1 ईयर ऑफ द कमिशमेंट ऑफ द एक्ट। एक साल के अंदर वहां पे लोकायुक्त बनाने का बात किया गया था इस एक्ट के घोषणा हो जाने के बाद। और यह भी यहां पे कहा गया था कि द एक्ट आल्सो इंश्योर डेथ पब्लिक सर्वेंट हु एक्ट व्हिसिल ब्लोअर आर प्रोटेक्टेड। जो पब्लिक सर्वेंट यहां पे व्हिसिल ब्लोअर के रूप में काम करेगा उसको यहां पे सुरक्षा मुहैया करवाने का बात यहां पे इस एक्ट में कहा। एक मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आपने अभी तक ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर भी इसको कर दीजिएगा। तो फाइनली रूप से यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान में उसका जिक्र करते हुए यहाँ पे लोकपाल का गठन किया गया और लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष होगा जो भारत के पूर्व न्यायाधीश
या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, वहां पे यह बात कहा गया था, या फिर एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सरसाइज ऑफ मिनिमम 25 इयर्स इन मैटर रिलेटिंग टू एंटी करप्ट पॉलिसीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ एंड मैनेजमेंट। तो ये सब जो क्राइटेरिया था, अगर कोई इतना चीज को होल्ड करता हो, चाहे तो वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर रिटायर्ड जज हो, या फिर इतना जो क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है वो अगर कोई फॉलो करता हो तो लोकपाल समिति में वो अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि अध्यक्ष के अलावा अधिकतम जो 8 सदस्य होंगे उसमें कम से कम 4 जो हैं वो अनिवार्य रूप से न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जबकि 4 जो हैं एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और महिला में से होनी चाहिए। यहाँ पे यह भी बताया गया था कि कौन इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य होता हो तो वह यहाँ पे इसका सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा नैतिक भ्रष्टाचार में अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता हो तो वह इसका सदस्य नहीं होएगा। इसके अलावा किसी पंचायत या निगम का अगर सदस्य वो ऑलरेडी हो तो यह इसका सदस्य नहीं होगा। अगर 45 साल से कम उम्र का व्यक्ति का अगर आयु है तो वो उसका सदस्य नहीं होगा। और राज्य या केंद्र सरकार की नौकरियों से बर्खास्त लोग हो तो वह भी इसका सदस्य नहीं बन सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जिक्र करूँ कि इसके अधिकार क्षेत्र क्या होएगा, तो देखिए इसका अधिकार क्षेत्र सभी सरकारी कर्मचारी और सरकारी गण ग्रुप ए बी सी डी स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उस पर यह लागू होएगा। इसके अलावा सभी केंद्रीय मंत्रियों दोनों सदनों के सदस्यों की जांच कर सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को भी जांच करने का अधिकार यहां पे दिया गया है लोकपाल को। इसके अलावा सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले ट्रस्ट सोसाइटी और एनजीओज उसके निर्देशक और सचिव की भी जांच यहां पे इसके दायरा के अंदर आएगा अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। ठीक, यहां पे याद रखने वाला बात है कि न्यायपालिका और सेनाओं को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, इसीलिए इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि अगर न्यायपालिका को भी अगर इसमें घसीट दिया जाएगा तो न्याय कौन करेगा, और सेना चूंकि देश की रक्षा करता है तो इसीलिए इससे उसको यहाँ पे जो है छूट दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीएम एंड लोकपाल की, चूंकि पीएम एक बहुत बड़ा पद होता है भारत में, तो अगर उसको यहाँ पे लोकपाल के अंदर ले लाया गया है तो उस पर बार बार जो आरोप प्रत्यारोप लगेगा तो उससे यहाँ पे कुछ बचाव करने का भी उपाय सुझाया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानमंत्री के जांच के खिलाफ कुछ प्रावधान है, वो क्या है तो देखते हैं। देखिए इसके तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ वही मामला आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक बाहरी सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था को जाँच के दायरे से नहीं अगर आता हो। इसके अलावा अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से अगर जुड़े मामला हो तो भी वह प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखता हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण बेंच की बैठक होना जरूरी होता है, जिसमें कि 2/3 बहुमत से फैसला लेना अनिवार्य होगा, और यह कार्रवाई गोपनीय होगी, और अगर शिकायत जांच लायक नहीं पाई जाती है तो उसे सार्वजनिक भी नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे किस किस क्षेत्र को यहाँ पे प्रधानमंत्री के लोकपाल के एम्बिट के अंदर लाया जाएगा और किस किस को नहीं लाया जाएगा, तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय विवाद या फिर अंतरराष्ट्रीय जैसे मुद्दा है, जैसे कि राफेल जैसा मुद्दा है, उस पर बार बार अपोजिशन कहता है कि जांच करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो इस मुद्दा को वहां पे लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ठीक, जबकि अगर दल बदल का मुद्दा हो, एमपी का खरीद फरोख्त का मुद्दा हो, तब जो है वो लोकपाल के दायरा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे लाया जाएगा। इसके अलावा देखिए भ्रष्टाचार के मामले में अगर दोषी पाया जाता है कोई तो उसको 2 से 10 साल तक की सजा का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। अगर कोई संपत्ति गलत तरीका से अर्जन करता है तो उसको वहाँ पे सर्च एंड सीज्ड करने का भी अधिकार दिया गया है। सीबीआई को यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा कि उसकी जाँच करे। इसके अलावा जानबूझकर अगर झूठी शिकायत कोई करता है तो करने वालों के खिलाफ भी कुछ प्रोविजन किया गया है। अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जाएगा और ऐसे मामले में उसको जेल भी हो सकता है। तो ये अपने आप में यहाँ पे एक ठोस प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अंत में मैं जाते जाते एक आपका इंडेक्स का बात कर देता हूँ। CPI 2018 यानी कि
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018। देखिए इंडिया का यहाँ पे रैंक है 78, 180 देशों के बीच में, और इसका स्कोर है 41 कुल 100 में से। इसको जारी करता है वार्षिक आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 ईस्वी से। आप इसको जरूर याद रखिएगा। पहला नंबर पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क, जिसका कि स्कोर है 88। उसके अलावा दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 87। और तीसरा नंबर पे चार देश आता है, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। ये सभी का स्कोर 85 है और ये तीनों जो है वो थर्ड पोजिशन को होल्ड करता है। तो अगर भारत में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना हो तो करप्शन जैसा जो ये बुरी चीज है उसको यहां से खत्म करना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।